खबर। पुणे क्राइम ब्रांच ने फेक कॉल सेंटर का किया पर्दाफाश। अमेरिका के नागरिकों को सोशल सिक्योरिटी सर्विस से बात करने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाले खराड़ी स्थित कॉल सेंटर पर तड़के क्राइम ब्रांच की टीम ने छापा मारकर पर्दाफाश किया है। इस दौरान पुलिस ने हार्ड डिस्क, लैपटॉप, हेडफोन, डेबिट कार्ड, मोबाइल साथ ही अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका स्थित साइबर सिक्योरिटी कंपनी फायर आई के शालीन विपिन पंचाल, धनंजय विपिन भाई पंचाल, निसर्ग सुभाष पंडित, मितेश गोकुल ठक्कर, ऐश्वर्या मोहन भारद्वाज को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार खराड़ी चंदन नगर इलाके में एक फर्जी कॉल सेंटर चलाया जाता है। वहां से विदेशी नागरिकों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी की जाती है। ऐसी जानकारी सहायक पुलिस आयुक्त भानु प्रताप बर्के को मिली थी। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने तड़के फ्राइड आइकन सोसाइटी स्थित फ्लैट पर छापा मारा था। इस दौरान कंप्यूटर डाटा की जांच की गई, जिसमें अमेरिका और कनाडा के नागरिकों की जानकारी हार्ड डिस्क में स्टॉक करके रखी गई थी। पुलिस ने 25 हार्ड डिस्क, 14 लैपटॉप साथ ही आईट्यून कार्ड जब्त किए हैं। अमेरिका के नागरिक फोन कर सोशल सिक्योरिटी क्रमांक का गलत इस्तेमाल हो रहा था, ऐसा बताया जाता है। उसके बाद उनसे संपर्क कर आईट्यून गिफ्ट कार्ड खरीदी करने के बहाने उनके साथ धोखाधड़ी की जाती थी। उनके खिलाफ चंदन नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। तो अमेरिस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से अमेरिस इंडिया ऐप डाउनलोड करें और अमेरिस न्यूज के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।